पंडित दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्रित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, बड़ा जैसे कि पूर्व वक्ता ने बताया कि बड़ा हर्ष का विषय है कि इस बार वार्ड वाइज हम पंडित दीनदयाल जी की जयंती मना रहे हैं। पहले एक जगह इकट्ठे होकर गुलाब वाटिका पर जहाँ उनकी मूर्ति लगी वहाँ इकट्ठे होकर कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू करी जिससे कि पंडित दीनदयाल जी क्या थे, उनका जीवन था क्या था, उनका एकात्म मानववाद क्या था, उस संदर्भ में मोहल्ले मोहल्ले जाके एक जानकारी इकट्ठी हो, ये पार्टी का एक बहुत स्वागतपूर्ण निर्णय है। और उसी तारतम्य में आज मैं आपके इस वार्ड में पंडित दीनदयाल की जयंती के अवसर पर उपस्थित हूँ। हमारे विकास भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि उनके जीवन का तो सबको पता है, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई ये नहीं पता। निश्चित तौर से दीनदयाल जी हों, हमारे पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी, उनको भी इसी तरह से एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से उनकी हत्या हुई, क्योंकि उस समय जब कांग्रेस का शासनकाल था और जब ये दो आंधी इस देश में इकट्ठी हुई, जैसे पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी तो कांग्रेसी गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन जब उनको उनकी विचारधारा समझ नहीं आई तो उनसे अलग होकर उन्हें जम्मू कश्मीर की यात्रा करी और पंडित दीनदयाल जी ने भी उनका कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। दोनों ने मिलकर जो आज जनसंघ की स्थापना करी और जो बीज बोया, आज उस बीज का फल आप सब देख रहे हैं कि कई स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, केंद्र में 300 से अधिक सीटों के साथ हमारी सरकार है। ये पंडित दीनदयाल जी की सोच, उनका जो नेतृत्व था, एक शुरुआत थी। कोई कोई सोच सकता था कि आज हमारे देश में जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी ताकत के साथ हमारे देश में रहेगी, तो ये हमारे दोनों उन महान नेताओं की देन है जिसकी वजह से हम खड़े हैं। दोस्तों, आज उनकी जयंती पे हम संकल्प लें कि जैसे 1965 की बाढ़ में कुतुब भाई ने बताया कि बाढ़ आई उसी शाम पंडित दीनदयाल जी दिल्ली या मथुरा जहाँ भी रह रहे होंगे उस समय यहाँ आकर उन्होंने सेवा करी, तो आज उनकी जयंती पे हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारे आसपास कोई दीन दुखी दिखे, कोई कमज़ोर व्यक्ति दिखे, क्योंकि अगर एक कोई कमज़ोर व्यक्ति है और हम 20 लोग मिलकर उसकी मदद करें तो वो हमारे बराबरी में खड़ा हो सकता था। ये उनकी सोच थी। उस सोच को अब इस युग में बड़ा परिवर्तन हो गया, मोबाइल युग आ गया, टेलीविजन युग है, लोगों को अपने घर से बाहर निकलने में भी बड़ा कष्ट महसूस होता है, घरों को अपने घर से बाहर निकलने में भी बड़ा कष्ट महसूस होता है, घर में ही अंदर अपने कैद रहते हैं, जबकि हमारे समय में तो खेलकूद एक बड़ी चीज़ थी, आज सब बंद हो गया है। तो जब बाहर नहीं निकलता आदमी तो लोगों के दुख सुख के बारे में भी उसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। तो मेरा आप सबसे आज अपन एक संकल्प लें कि हमारे आसपास, क्योंकि हम आसपास से अगर शुरू होंगे तो हर व्यक्ति जब अपने आसपास देखेगा तो उसे सब देखने लगेगा। हमारे आसपास जो भी दीन दुखी हों, समाज के ऐसे व्यक्ति हों जिनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, कई लोग होते हैं मालूम पड़ा कि वो बेचारा गरीब व्यक्ति है लेकिन उसका गरीब व्यक्ति की सूची में नाम नहीं है, राशन कार्ड में नाम नहीं है, उसको राशन नहीं मिल पाता, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कोशिश करें राशन दिलाएं। और आप लोगों से वो चीज़ नहीं हो पाए तो हम तक उस बात को पहुँचाए कि साहब ये व्यक्ति ऐसा है उसको ये व्यवस्था नहीं हो पाई, स्वास्थ्य की है, जैसे हमारी सरकार ने आज बड़ी बड़ी योजना चला रखी है, तो कोई स्वास्थ्य की बात है 5 लाख तक का कोई भी कैसे ही बीमारी आज फ्री, लेकिन लोग उसकी जानकारी नहीं, लोग उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो हम अपने आसपास लोगों को ऐसा पता करें, उनको जानकारी इकट्ठी करके उनकी मदद करें, तो वही आज हमारी पंडित दीनदयाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।